अकोला जिले में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में शिवसेना ने कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच शिवसेना द्वारा आंदोलन के माध्यम से मांग की गई कि भारी बारिश से खेतों में हुए नुकसान का पंचनामा बनाकर किसानों को आर्थिक सहायता की घोषणा की जाए। आपको बता दें कि लगातार हुई बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में सोयाबीन में फलियां नहीं आई, इसलिए अकोला जिले को गीला घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विधायक देशमुख ने मांग की कि सोयाबीन की गारंटी मूल्य कम से कम 7,000 रुपए दिया जाना चाहिए। इसके तहत ही विधायक नितिन देशमुख ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने खुद भी किसानों के लिए यही मांग की थी, लेकिन फडणवीस सत्ता में आने के बाद अपनी मांगों को भूल गए। अकोला से संवाददाता शहीद इकबाल की रिपोर्ट। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं प्रकाश डवले, अकोला पश्चिम विधानसभा मतदार संघ। आज जो किसानों के प्रश्नों के लिए आंदोलन यहां पर रखा गया है, माननीय जिला प्रमुख नितिन बापू देशमुख और गोपाल जी धाकर इनके नेतृत्व में आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने यहां पर आंदोलन रखा है। आंदोलन की मुख्य मांग है कि किसानों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जुलाई और अगस्त ये दो महीने में लगातार बारिश के कारण किसानों की परिस्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है और उनको पीक बीमा की 25% रकम तत्काल मिलनी चाहिए। कपास को 10,000 रुपये हमी भाव मिलना चाहिए, उसके बाद सोयाबीन को 7,000 रुपये भाव मिलना चाहिए। ये मुख्य मांग किसानों की है। और जो सरकार है महाराष्ट्र शासन, ये किसी भी प्रकार की ध्यान शेतकरियों पर दे रहे नहीं, किसानों पर नहीं दे रहे। किसान की इसी परिस्थिति में जिले में ऐसी परिस्थिति की सोयाबीन को 21 किलो सोयाबीन के पेड़ पौधे आपके सामने लाए, इसमें एकर में एक पाव भी निकलता नहीं, एक पाव। किसान क्या करेगा? तो शासन ने जल्दी से जल्दी ओला दुष्काल जाहिर करके 25% मदद तत्काल किसानों के खाते में जमा करना चाहिए। ये आज शिवसेना के हमारे जिला प्रमुख गोपाल गो धाकर के नेतृत्व में हमारे सहयोग पदाधिकारी शिवसेना के नेतृत्व में आज जो धरने आंदोलन है, अगर शासन ने अभी 2-4 दिन में निर्णय नहीं लिया तो इससे हम तीव्र आंदोलन किसान का यहाँ जिले में छेड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से शासन को ये कहना चाहता हूँ कि तत्काल ओला दुष्काल जाहिर करके